हाँ, ये अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये शमैनिक मैसेज आपके लिए है। तो शमैनिक मैसेज है क्या? शमैनिक मैसेज है एक ऐसे डिविनेशनल टूल जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि आप जिस पर्सन के बारे में याद कर रहे हो या फिर जिस पर्सन को प्यार करते हो, वो पर्सन कलेक्टिवली क्या सोच रहे हैं। तो ये टैरो रीडिंग से क्यों अलग है? क्योंकि टैरो रीडिंग एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और शमैनिक मैसेज एक रिफ्लेक्शन। जैसे कि टैरो रीडिंग में आपको पता चलेगा कि क्या आपको करना चाहिए, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज एंड ऑल। बट ये शमैनिक रीडिंग एक छवि है, जैसे कि आप आईने के सामने खुद को देखते हो वैसे ही ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शंस आपको दिख जाएगा। सो डेफिनेटली ये एक रिफ्लेक्शंस है, मतलब यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है जो आपके पर्सन के दिमाग में कैद है या फिर जो एनर्जी अभी भी उनके सूक्ष्म शरीर या फिर फिजिकल बॉडी में अभी भी कैद है। तो इसके बेसिक पे आप कुछ डिसीशंस मत लीजिए, इस रीडिंग को आप आईने की तरह देखिए, जैसे कि आप एक छवि देख रहे हो। डेफिनेटली अगर आप इंट्यूटिव हो या फिर अगर आप एक साइकिक हो या फिर अगर आप एक लाइट वर्कर हो तो ये रीडिंग से आपको पता चलेगा कि आपके इंट्यूशंस आपको सही कह रहे हैं कि नहीं। हाँ, इसका तो कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है, बट आपको पता है कि यू नो आपके मन आपको हमेशा सही तरीके से गाइड करते। तो ये हम किस तरीके से देखेंगे? ऑफकोर्स यहाँ पर मैं आप लोगों को पता है कि कोई कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं, कॉफी कप रीडिंग करते हैं, ये सब एक डिविनेशनल टूल है। यानी कि जो एलिमेंट्स है, कोई फायर यूज करके कर सकते हैं, कोई वाटर यूज करके कर सकते हैं, कोई अर्थ एलिमेंट जैसे कि कॉफी बीन्स को रीड करके कर सकते हैं, जो भी है। यहाँ पे द मैसेजेस के स्पिरिट आपको कहेंगे। अब एक एक के पर्सन क्या कह रहे हैं ये तो कोई स्पिरिट नहीं कह सकता है। सो कलेक्टिवली डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन इस तरीके से स्पिरिट मैसेज देते हैं। ये आपके लिए भी कुछ एडवाइस देंगे या फिर आपके एनर्जी का भी कुछ रिफ्लेक्शंस देंगे और कहीं ना कहीं आपके पर्सन का भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं थोड़ा सा यहाँ पे पानी ले लेता हूँ। ओके, आई थिंक इट्स एनफ एंड लेट्स सी इस टाइम पे क्या एनर्जी माँ काली आपके सामने लेके आ रहे हैं आपके पर्सन के बारे में। यहाँ पे मल्टीपल पर्सन का एनर्जी मैं अपडेट करूंगा, जो भी मुझे दिखेगा मैं वो अपडेट करूंगा। तो पहले हम लोग इस पानी को चार्ज कर लेते हैं। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमोस्तुते, महाकाली प्लीज हेल्प मी टू गिव द प्रॉपर गाइडेंस टू ऑल माई व्यूअर्स। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। अब लेट्स सी कि यहाँ पे क्या एनर्जी अभी आ रहा है। ओके देखिए, मुझे यहाँ पे एक हैप्पी फेस वाला इमेज दिख रहा है, जहाँ पे सिंपल बात है कि आपके पर्सन आपको जो कहना चाहते हैं वो काइंड ऑफ वो एक्चुअल में वो नहीं कह रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना, यहाँ पे कोई पर्सन आपके सामने बहुत ज़्यादा कैजुअल हो रहे हैं। यू नो, ये आपको समझाना चाहते हैं कि फ़र्क नहीं कुछ पड़ता है, बट हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जब आपके साथ बात नहीं करे तब अपने गम को शेयर करे किसी फ्रेंड के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके सेपरेटेड पर्सन आपके बारे में सोच रहे, वो ऑफिस में भी काम नहीं कर पा रहे, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो अपनी डेली लाइफ में कुछ चीज़ को मिस कर रहे हैं। ना यहाँ पे बात है कि देखिए, ये पर्सन को खुद पता नहीं कि इनको लाइफ में क्या करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको काफ़ी कंफ्यूज करके रखे हैं। कभी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कभी कम प्यार। जब भी इनको आप कुछ सीरियस बात करने के लिए बोलते हो तो ये भाग जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत डायनेमिक है, इसके अंदर बहुत क्रिएटिव गुण है और बहुत ऑनेस्ट है, बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप ना, मतलब जब रिलेशनशिप का बात आता है ना, ये एक रिलेशनशिप मटेरियल अभी तक नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी यंग है और ये अभी भी सेक्सुअल फैंटेसी में जी रहा है। मतलब इनके लिए रिलेशनशिप मतलब किस करना, स्मूच करना, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करना, दैट्स इट। रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलना है ये इनको काइंड ऑफ, अभी तक ये आदत इनको नहीं आए है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को लग रहा है कि ये सैड है, सैड सॉन्ग सुन रहा है, किसी दोस्तों के साथ बात कर रहे, या फिर ये पर्सन क्लबिंग कर रहे एंड अपना गम को भुला के रह रहा है। बट
इसके लिए आपका काम बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, बार बार आपको अचानक सेक्सुअल अर्जेस हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वो पर्सन मैसेज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एनर्जी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये पर्सन खुद रंगीन है, बट ये खुद कोई काम नहीं करते ढंग से, ये खुद कोई कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, मतलब कोई भी काम इसके देख लो, ये कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, कभी जहाँ पे, कोई भी कोई मतलब कंसिस्टेंसी इनके लाइफ में नहीं है, और इसीलिए आप भी कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो। मुझे ऐसा लगता है स्पिरिट आपको बोल रहा है कि ये पर्सन का मन डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जा रहे हैं, और इनकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो। नाउ यहाँ पे साफ बात है कि ये पर्सन और आप हंसी मजाक तो बहुत ज़्यादा करते हो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिए हो। मतलब क्या है कि ये पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते थे, मुझे ऐसा लगता है लाड प्यार से आप इस पर्सन को बिगाड़े हो, या फिर इस पर्सन को आप ऐसे समझाए हो कि सच में इनके बाद ही लास्ट वर्ड है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ना आप इस पर्सन के सामने खुद को सरेंडर कर लिए हो, और इसीलिए इस पर्सन को लगता है कि आपके डिसीजंस ये खुद लेंगे, या फिर आपके बिना, मतलब आप इनके बिना कुछ नहीं कर सकते हो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको डोमिनेट करते हैं, आपको एक पर्सन ऊपर ऊपर से डराते हैं, और जब भी आप भड़क जाते हो, जब भी आप बात करना बंद कर देते हो, फिर से ये सॉरी बोल के चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं झूठ बोला था, या फिर चीट किया था, क्योंकि कंस्टेंटली मुझे ऐसा लगता है कि चूहे बिल्ली का गेम चलता है। लाइक ये पर्सन का नेचर क्या है, बहुत जॉली किस्म का नेचर है, सबके साथ घुल मिल के बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन हमेशा एक बैकअप लेके चलता है। लाइक आप अगर आप इसके फ़ोन कॉल्स को देखोगे, ये ऑलवेज बिजी रहता है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये लोनली नहीं रहना चाहते हैं। इनके रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप हो या कोई और हो, तो ये हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, और यू नो ऊपर ऊपर चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सीक्रेट क्रश भी हो सकता है, या फिर इस पर्सन के साथ आपका बात तो होता है, बट आप भी डरते हो इस पर्सन को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड भी कहता है कि ये अभी से अगर ऐसे है तो बाद में जाके क्या होगा, काइंड ऑफ ऐसे कंसर्न आपके मन में है इस पर्सन को लेके। नाउ मैं देखूंगा कि कैसा और क्या मैसेज आ रहा है। वेल, ये पर्सन का बर्थ डेट मुझे दिख रहा है नंबर 6, 1727, 14, 15, एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन हो सकता है नंबर 8, NNKKCC, या फिर 5 वर्ड 7 वर्ड 16 वर्ड्स का इसका नाम एंड सरनेम है, नेम एंड सरनेम। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन पेंटर हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो सकती है, ये मॉडल हो सकता है, बहुत खूबसूरत है, बहुत स्टाइलिश है। और व्हेन इट कम्स टू इनके कलर्स, कि लाइक आप जब भी देखोगे ये फिट एंड फाइन ही दिखता है, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कंप्लीमेंट भी देता है और क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी कैजुअल पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, ओके, और इसीलिए ये बिजी है। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनके साथ एक बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म के पर्सनैलिटी का बात चल रहा है, और ये एक कैजुअल है, और इन दोनों के बीच में बहुत कैजुअली बात चल रहा है। इन दोनों को ही पता है कि आप ये लोग मज़े करेंगे, एंड उसके बाद ये यू टर्न लेके आपके पास आएंगे। कहीं ना कहीं इस टाइम पे स्पिरिट कह रहा है कि ये पर्सन किसी पर्सन को पटा रहे हैं, या फिर किसी पर्सन के साथ कैजुअली बहुत फ्लर्ट कर रहे हैं, और इनको इन दोनों को ही पता है कि क्योंकि ये लोग फ्लर्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा जिम फ्रीक है। लाइक मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक ऐसे पर्सन के साथ बात करे जो कोई ट्रेनर हो, या फिर बॉस हो, या फिर कोई जिम फ्रीक पर्सन हो, या फिर कोई डाइटिशियन हो, जिनके साथ इनका बात भी हो रहा है हेल्दी, बट साथ ही साथ ये जो सेक्सुअल जो टच रहता है ना बात करने के अंदर, ये दोनों वैसे ही सेक्सुअल चीज़ें यू नो जोक्स आप कह सकते हो शेयर कर रहे हैं, और इसीलिए ये पर्सन का मन थोड़ा सा भटक रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को भी पता है कि ये फ्लर्ट कर रहा है, इनको ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, बट मुझे कहीं ना कहीं इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने काम छोड़ के किसी एवी रैंडम पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, और बात करके ये खुश हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत बोर फील कर रहे थे और लोनली भी फील कर रहे थे,
जो लोनलीनेस ये आपके साथ शेयर नहीं कर सकता है वो किसी दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। ओके ना, मुझे ऐसा लग रहा है आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आप किसी को पसंद आ रहे हो। यस आई फील के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इधर आपको अप्रोच किए थे और आपको पसंद भी आया था, बट आपने शायद एक पर्सन के लिए इस पर्सन को नो बोले हो या फिर आपने शायद सेक्रीफाइस की हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे कुछ भी खुशी नहीं मिलता है और आप चाहते हो कि आप किसी नए पर्सन के साथ मिलोगे, बट यू नो चीटिंग के डर से या फिर झूठ बोलने के डर से शायद आप एक पर्सन के साथ मिल नहीं रहे हो। आई कुड फील कि ये मैच्योर है और ये बहुत डोमेस्टिक लाइफ लीड करते हैं, इनको मुझे ऐसा लगता है RNT से इनके नेम स्टार्ट हो सकता है या फिर SD से इसके नेम स्टार्ट हो सकता है, एंड ये कोई मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न वर्गो जेमिनी लिब्रा टॉरस एंड एरीज हो सकता है, और ये एक मैरिड और सेपरेटेड और डिवोर्सी पर्सन हो सकता है। ओके मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के कंसर्न काफ़ी सेम हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपको शायद इस बात से डर है कि इनका एक पहले रिलेशनशिप रहा है या फिर इनका एक मैरिड लाइफ है जो एकदम बेकार है, और शायद आप इसीलिए इस पर्सन के साथ ज़्यादा घुलमिल नहीं रहे हो क्योंकि आपको पता है कि शायद ये अभी भी अपने लोनलीनेस के लिए ही आपके सामने आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक आपको पता है कि इस पर्सन आपको सच में चाहते हैं और ये बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, बट कहीं ना कहीं आप किसी और के साथ कनेक्टेड हो और हालांकि आप खुश नहीं हो फिर भी आप इस पर्सन को अलाउ नहीं कर रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपका डर है कि शायद आप कुछ गलत काम करोगे, तो आपने इस पर्सन को बढ़ावा नहीं दिए हो जिस तरीके से आप अपने पहले पर्सन को बढ़ावा दिए थे, और इसीलिए ये रिलेशनशिप स्टक है। बट बहुत खूबसूरती से ये रिलेशनशिप काइंड ऑफ आगे बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको पसंद करते हैं, आपके साइलेंट को पसंद करते हैं क्योंकि इस पर्सन के साथ आप ज़्यादा बातें नहीं करते हो, सिर्फ उनके रिप्लाई ही देते हो या फिर छोटे मोटे सोशल मीडिया पे जब भी आप जाते हो तो बात करते हो, तो वही चीज़ आपको इनके नज़र में अट्रैक्टिव बना देते हैं। हालांकि आप इस पर्सन के साथ बहुत मतलब जिस पर्सन को आप चाहते हो उनके लिए आप बहुत ज़्यादा वेट करते हो और उनके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, वही सेम चीज़ आपको आपके पर्सन की आंखों में थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव बना देते। सो सिमिलरली देखिए आपके लिए क्या यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं, जिस पर्सन के साथ आप कम बात कर रहे हो वो पर्सन आपको अट्रैक्टिव दिख रहा है, मतलब उन पर्सन की उस पर्सन की नज़र में, और वो आपके साथ बात करना चाहते हैं हालांकि उस पर्सन को आप रोक रहे हो या फिर उस पर्सन को ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, बट जिस पर्सन को आप चाहते हो जिस पर्सन के लिए आप काइंड ऑफ अवेलेबल होकर बैठे हो वो सेम चीज़ आपको अनअट्रैक्टिव बना दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी काफ़ी कन्फ्यूज्ड हो क्योंकि वैसे तो नहीं है कि आप लोनली हो, अगर आप चाहो तो बहुत लोगों के साथ बात कर सकते हो, बट आपको ऐसा लगता है कि एक डिवाइन रिलेशनशिप होना चाहिए, बट आप जिस पर्सन को सोचे हो शायद वो आपके एक पास्ट लाइफ का कार्मिक पर्सन है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ट्राई की हो, बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई की हो, बहुत बार खुद को रीबिल्ड किए हो, खुद को इनके सामने पेश किए हो, बहुत कुछ तरीका अपनाए हो, साइकिक तरीका स्पिरिचुअल तरीका, उसके बाद भी रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं हुआ है, उसके बाद भी आपके पर्सन खेल खेल रहा है, उनको हर दिन कुछ नए एक्साइटमेंट कुछ नए चीज़ चाहिए, बट आप इनके चक्कर में अपना खुशी को बर्बाद कर रहे हो बिकॉज आपका लाइफ भी ऐसा हो रहा है कि कभी आप बहुत खुश हो रहे हो क्योंकि जब भी आपको उस पर्सन के साथ बात हो रहा है, बट ओवरऑल थ्रू आउट द डे आप लोनली बैठ रहे हो, और उस लोनलीनेस के टाइम पे जो पर्सन आपके साथ मिलना चाहते हैं वो भी आप इस रिलेशनशिप के लिए नहीं मिल पा रहे हो। ओके लेट मी सी कि और क्या एनर्जी आ रहा है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत डिप्रेस्ड होकर ये रीडिंग देख रहे हो, आप में से बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं या फिर बहुत ज़्यादा बुखार आए थे या फिर कल रात बहुत बुरे सपने देखे हो या फिर बहुत ज़्यादा अजीब किस्म का सेक्सुअल फीलिंग्स हो रहे हैं, जैसे कि रैंडम फीलिंग्स लाइक कुछ भी देख के आपको आपके थोड़ा सा मतलब किसी के साथ आप मिलना चाहते हो, किसी को किसी के बहुत करीब आना चाहते हो, सेक्सुअली मीटअप करना चाहते हो। अब ये क्यों हो रहा है आपको पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है हार्मोनल चेंजेस या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है कि अब आप
मिलने वाले हो अपने डिवाइन पर्पस के साथ या फिर डिवाइन सोलमेट के साथ। सो इस टाइम पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने मन को शांत कर रहे हो, वो भी डिफरेंट तरीके से। ये हो सकता है कि आप मंदिर जा रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, या फिर पर्टिकुलर कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप कोई रैंडम पर्सन के साथ बातें करके खुद को इमोशनली चार्ज्ड अप रख रहे हो। काइंड ऑफ ऐसा मुझे लगता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, क्योंकि आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस तरीके से ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी जी रहे थे वो कोई ज़िंदगी नहीं है। आप कुछ अच्छे इमोशनल एक्सपीरियंस डिज़र्व करते हो और अच्छे इमोशनल एक्सपीरियंस के तलाश में आप खुद को सवारोगे, सजोगे एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेकओवर भी करोगे एंड देन यू आर गोइंग फॉर अ डेट। आप लोग एक सीक्रेट डेट पे जा रहे हो, भले आप लोग रिलेशनशिप में हो या फिर आपको कोई इनवाइट करेंगे डेट पे। हाँ, आप पहले थोड़ा सा हाँ ना करेंगे बट देन आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बंजर ज़मीन में अब इस टाइम पे आपको कोई पर्सन चाहिए और इस सिचुएशंस पे चाहे आप कितना भी लॉजिकली रहो आप नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपको किसी पर्सन के साथ बात करना है, बात करके खुद को हील करना है, उसके बाद दूसरी चीज़ देखा जाएगा। सो आई थिंक यू आर गोइंग टू मीट समवन और मीट करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत दिनों के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, बात सिर्फ सेक्सुअलाइज नहीं है, बात सिर्फ वही चीज़ के लिए सेंटराइज नहीं है, बात मतलब एक फ्रेंडली अप्रोच से बात हो रहा है, एक दूसरे को आप जान पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अननोन नहीं नोन बट एक पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा बात करोगे, बहुत दिनों के बाद बात करोगे एंड बात करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू द नेक्स्ट एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि कौन आपके लिए है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सोच आपका चल रहा था कि आपको मूव ऑन करनी चाहिए, तो कैसे पर्सन के साथ मूव ऑन करें, और आई थिंक यूनिवर्स आपको वो आंसर्स दे रहे हैं। एक ऐसे पर्सन के साथ आप मिलोगे जो आप इस बार बहुत रिजर्व रहोगे, इस बार आप खुद को कंट्रोल करोगे और उस पर्सन को करने के लिए आप मजबूर करेंगे। लाइक आपको ऐसा होगा कि मैं तो इस बार नहीं कुछ बोलूंगा, अगर वो पर्सन सामने से कुछ कहता है, सामने से कुछ एक्शंस लेता है, तो मैं सिर्फ उनके एक्शंस के अनुसार काम करूंगा एंड वही चीज़ आपको एक बहुत बेहतरीन फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आउट ऑफ द ब्लू एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप पे बदल रहा है। आई डोंट नो वेदर यू आर कमिटेड और नॉट, आई डोंट नो आप क्या किस तरीके से मैनरिज्म को फॉलो कर रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आप लोगों का रिलेशनशिप स्टेटस चेंज होने वाला है, क्योंकि आप लोग लोनली रह के सरने नहीं वाले हो, आप लोग रो के अपना ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है कि देयर विल बी अ ट्विस्ट एंड टर्न, मतलब एक ट्विस्ट आ रहा है। ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में कोई पर्सन बहुत करीब आ रहा है एंड ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ होगा, शायद आपको भी बहुत शॉकिंग लगेगा, बट जिस तरीके से आप लोग घुल मिल हो जाओगे आपको आइडिया भी नहीं, मतलब आइडिया भी नहीं रहेगा कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ मिरेकल, मिरेक्युलसली आप एक पर्सन के साथ बात कर रहे हो एंड बात करके ऐसा आपको फील होगा कि इस पर्सन को आप बहुत पहले से जानते हो और यही अप्रोप्रिएट टाइम था इस पर्सन को आपके लाइफ में आने के लिए। आई थिंक एक अप्रोप्रिएट पर्सन के साथ मीट कर रहे हो, बट हाँ अगेन आपके पर्सन जो आप जिसके बारे में सोच के परेशान हो रहे हो वो अपना खेल खेल रहा है। डेफिनेटली दैट पर्सन इज फ्लोटरिंग विद अदर पर्सन जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और हेल्थ कॉन्शियस है, फिगर कॉन्शियस है, और जिसी के लिए ये पर्सन कैजुअली बात करके टाइम बर्बाद कर रहे हैं। यही वजह है यूनिवर्स किसी नए पर्सन को या फिर किसी अलग पर्सन को, अलग इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक का डायमेंशन अलग होता है, आपके लाइफ में लेके आ रहा है ताकि आपको पता चले कि क्या है हेल्दी कनेक्शंस और क्या है अनहेल्दी कनेक्शंस। सो यू आर गोइंग टू गेट एन हेल्दी कनेक्शंस, कंग्रेचुलेशंस। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ और आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा थैंक यू कुरुकुल्ला माँ, थैंक यू कुरुकुल्ला माँ, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ का लिटर रटन। इवन मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए। याद रखिए एक चीज़ की मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ तो इसीलिए सारे नोटिफिकेशंस नहीं जाता है, तो जब भी आपका इंट्यूशंस हो कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल एक बार विजिट कर सकते हो, अगर वहाँ पे नए वीडियो आपको दिखेगा तो आप देख सकते हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। बाय, मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी, टेक केयर।